नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया और मैं हूं रश्मि शर्मा। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। साल 2016 से 9वीं क्लास में ही 10वीं के लिए छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा, इसकी सूचना जारी कर दी गई है। बोर्ड ने राज्य के तमाम डीईओ को इस संबंध में पत्र भी भेज दिया है। यह पत्र 13 जनवरी को जारी किया जाएगा। फैसले का पहला साल होने की वजह से साल 2016 में 9वीं और 10वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 10वीं के छात्र छात्राओं की परीक्षा 2017 में होगी, उनका रजिस्ट्रेशन मई जून में कर लिया जाएगा। वहीं 9वीं क्लास के छात्रों की परीक्षा साल 2018 में होगी, इनका रजिस्ट्रेशन जुलाई अगस्त में होगा। बोर्ड के इस फैसले से कई फायदे होंगे। 9वीं और 10वीं में कितने रेगुलर छात्र हैं, इसका पता रजिस्ट्रेशन के आधार पर चल जाएगा। अभी तक कई स्कूलों में सीधे छात्र 10वीं का फॉर्म भरते थे और परीक्षा में शामिल हो जाते थे, अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जिनका 9वीं में से पहले ही रजिस्ट्रेशन होगा, वही छात्र मैट्रिक परीक्षा में फॉर्म भर पाएंगे। इधर झारखंड में एनआरएचएम के एएनएम और जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ ने अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। हड़ताल से एक दिन पहले कर्मियों ने रांची के मेन रोड में मशाल जुलूस भी निकाला। एएनएम और जीएनएम के राज्य भर में 5,500 और टेक्नीशियन के 1,500 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इनकी मांग है कि पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, साथ ही नए नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द किया जाए, वेतन में इजाफे और सरकारी कर्मचारी के मुताबिक वेतन भुगतान किया जाए इन्हें, और मुखिया की तरफ से अनुपस्थित विवरण लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। इधर झारखंड में टेस्ट पास पारा शिक्षकों का आंदोलन भी एक बार फिर से शुरू हो गया। अपनी मांगों को लेकर पारा शिक्षक राजभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। पारा शिक्षक 5 जनवरी से स्टेट गेस्ट हाउस के पास आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए इन्हें 8 जनवरी को प्रशासन ने जबरन हटा दिया था। अब एक बार फिर टेट पास पारा शिक्षकों का आंदोलन शुरू हो चुका है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इनका आंदोलन जारी रहेगा। जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो 45% में उसका सिलेक्शन हो रहा। हम 60% ला करके 13 साल सेवा दे करके, दो दो लोकसभा, दो दो विधानसभा, दो दो पंचायत चुनाव करा करके हम लोग रोड पर बैठे, जनगणना करके किसका नहीं, जानवर से लेकर आदमी तक का जनगणना किए, उसके बावजूद भी हम लोग रोड पर बैठे हैं। इससे ज्यादा और अन्याय क्या हो सकता है? समझ से परे है, कुछ नहीं। हम लोग टेट पास कर चुके हैं, सरकार से एक मांग करते हैं कि हमको सीधी नियुक्ति होनी चाहिए और सीधी नियुक्ति सरकारी शिक्षक के पद पर। इधर रांची में डीजल ऑटो चालकों की हड़ताल भी आज तीसरे दिन जारी है। शहर में करीब 10,000 डीजल ऑटो नहीं चल रहे हैं। ऑटो चालकों की हड़ताल से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। परमिट की मांग और पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ ऑटो चालक राजभवन के पास अनशन पर बैठे हैं। तो डीजल ऑटो चालकों का हड़ताल जारी है, आज हड़ताल का तीसरा दिन है। इस दौरान राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। इस हड़ताल का खामियाजा सीधे सीधे रांची वासियों को भुगतना पड़ रहा है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर। साल 2014 में राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद में हुए 12 विधान पार्षदों के मनोनयन पर सवाल उठ रहे हैं। आरटीआई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि नियमों को ताक पर रखकर 12 पार्षद विधान परिषद के सदस्य बना दिए गए। मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है, देखिए रिपोर्ट। राज्यपाल के मनोनयन कोटे से मई 2014 में बिहार विधान परिषद के 12 सदस्यों का चयन सवालों के घेरे में है। आरटीआई रिपोर्ट में नियमों को ताक पर रखने का खुलासा हुआ है। पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए बिहार विधान परिषद में रूलिंग पार्टी जनता दल यू का संख्या कैसे बढ़ जाए, इसके लिए ये खेल किया गया। यानी रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस 1979 का घोर उल्लंघन हुआ। कैबिनेट को यह पावर नहीं था कि केवल मुख्यमंत्री का ऑथोराइज किया जाए, वो उल्लंघन हुआ। और जो भारत के संविधान 171 में वर्णन है कैसे व्यक्तियों को नॉमिनेशन हुआ, उसका उल्लंघन हुआ। इन विधान पार्षदों के बायोडाटा में
राजनीतिक रिकॉर्ड और उन पर चल रहे कानूनी मामलों की जानकारी तक नहीं है। हालांकि जेडीयू इनके चयन को जायज बता रहा है। कोर्ट जाने का अधिकार है, न्यायपालिका जा सकते हैं, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में है, वो विचार करे। लेकिन राज्य सरकार ने सुविचारित रूप से उन मनोनयन की सूची भेजी जिसका महामहिम ने अनुशंसा किया और उसके आधार पर विधानमंडल के विधान परिषद में उन सदस्यों का मनोनयन हुआ। कुछ और ही तस्वीर पेश करता है साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी अब समाव का मन बना रहा है। बदलाव के बाद 15 साल का किशोर भी पार्टी की सदस्यता ले सकता है। फिलहाल सदस्यता की उम्र सीमा 18 साल है।